हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। हमारे आज के जगन्नाथ देवी श्री स्नान यात्रा हमें हेतमपुर श्री गौरांग मठर मठाध्यक्ष व दायित्व हिसेबे रही है गौरी समिति सम्पादक श्री भक्तिवारदी त्रिदंडी महाराज। 2007 साल फर्स्ट जानुरी हमें मंदिर सेवा दायित्व प्राप्त हई। मंदिर अनेक पुरतन प्राय 200 बचर का महाराज रामरंजन चक्रवर्ती महाशय एक धर्मत्मा व्यक्ति छें और पद्मसुंदरी देवी रानीमा तर इच्छाते ही महाप्रभुर कृपाते ही मंदिर प्रतिष्ठित हो तरपर सुंदर भाव सेवा पूजा चले आसल। रथर समय तो बिराट धूमधाम आगे हतो तब एन से ही राजा से ही राजत्व सरकम चिंता भावना करा जाए ना। दीर्घ बहु बचर धरे प्राय सेवाटाओ अचलवस्था हो गए। 2007 साले फार्स्ट जानुरी हमारे हाथों तरा अर्पण करें और तरपर थे समस्त उत्सव कर आसलम रथजात्रा करचालना। एन विगत दुई बचर धरे ता ते जरा रही उत्तरसूरी ता एक अन्यरकम मत भाव देखाल से विषय खूब एक आग्रह प्रकाश करी ता तर अंडारे रेखे रथ के और मत करी। गत बारे हमें करोना छो हमारे गाड़ी कर घूरिए इसे जगन्नाथ देव कम भाव घूरबें निजे जाना अपनारा समय अनुसार देखते पाबें। तो जेहतु लकडाउन करोनार बेपार रही है ये भक्त आसते माना कर खूब संक्षेप भाव स्नान जात्रा अनुष्ठान अनुष्ठित हमारा सोशल मीडिया से देखार व्यवस्था करी से सकल ही भक्त देखते पाबें अपनारा दर्शन करते पारबें। ये सिम्पलर मध्य एन सी ए कोविड मेने सकले चलो सकले भलो करूँ सुस्थान ये कमना करब। जगन्नाथ देवी रथजात्रा आजकल नए बहु प्राचीन बहु प्राचीन शुद्ध मंदिर कथा नए एकेबारे जो मेन जगन्नाथ जेखने मूल सेखानो बहु प्राचीन कथा जी सूर्य वंश थे परम्परा धाराते नेमे आसे तो से ही भाव रथ हो आसो आज के स्नान जात्रा स्नान कर प्रभु 15 दिन असुस्थता लीला करबें प्रभु प्रवेश कर दर्शन होना तो आप पर्यत आज के एखाने प्रभु के स्नान करानो हबे। प्रभु के मंडपे निये एसे स्नान करिये प्रभु के आबार सेखाने स्नान अभिषेकेर पर मंदिर अभ्यंतरे निये प्रकोष्ठे निये गिये तारपर सेखाने भोगराग प्रवृत्ति करा हबे एबं प्रभुर स्नानेर परे एरकम एकटा जे प्रभु असुस्थ जरे लीला करेन तार जन्य तार भितरे चिकित्सा ओषुधपत्र भोग जेगुलो थाके सेई विधान अनुसार हबे सेगुलो अदर्शन हबे। स्नान जात्राटा सबाई दर्शन पाबेन भक्तदेर आपाततो स्नान जात्रा दर्शनटा एखनकार मतो शेष ओई जन्य स्नान जात्रा बाइरे दर्शन करिये तारपर प्रभु के मंदिर अभ्यंतरे निये गिये आबार अदर्शने राखा हय। रथेर आगेर दिने আবার বিকেলে দর্শন দেওয়া হয় সেটা হলো নেত্রোৎসব। হরে কৃষ্ণ।